शैम्पू करने के बाद इस पानी से अपने बालों को धो लीजिए। आपके बाल पहले से कहीं ज्यादा लंबे, घने और मजबूत हो जाएंगे। अगर आपका भी हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है और अगर आप भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो ट्रस्ट मी, अगर इस पानी से आप अपने बालों को धो लेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। आपके बाल पहले से कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रोथ करेंगे। आपके स्कैल्प में किसी तरह की भी कोई एलर्जी है वो तक खत्म हो जाएगी। आपके बाल इतने ज्यादा शाइनी हो जाएंगे कि आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। कौन सा पानी है, क्या लगाना है, कैसे बनाना है सब जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जमकर शेयर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है नेक्स्ट कुछ अच्छा बनाने के लिए। तो आई होप कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करते टाइम ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि जब भी मैं आपके लिए कुछ प्यारा सा लेकर आऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। आज मैं बात कर रही हूं चावल के बारे में। चावल का पानी हमारे बालों के लिए वरदान है। अगर आपका हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, डैंड्रफ की समस्या है, तो ऐसे में चावल का पानी आपकी सारी समस्याओं को दूर कर सकता है, क्योंकि चावल के पानी में अच्छी मात्रा में अमीनो एसिड होता है जो हमारे बालों को घना करता है, मजबूत बनाता है और साथ में हमारे बालों को तेजी से लंबा करता है। इतना ही नहीं, ये हमारे बालों में एक नई जान लेकर आता है और नया शाइन लेकर आता है। यकीन नहीं होता तो चलिए बनाना सीखिए और उसके बाद खुद ब खुद यकीन करने पर मजबूर हो जाएंगे। चावल के पानी में विटामिन बी सी ई होता है जो आपके बालों को पोषण देता है और उनको तेजी से बढ़ाने में आपकी मदद करता है। इसके लिए आपको क्या करना है, आधी कटोरी चावल लेने हैं, उसको 3 ग्लास पानी में भिगोकर धूप में रख देना है, क्योंकि जब हम पानी और चावल का मिक्सचर धूप में रखते हैं तो सूरज से निकलने वाली जो किरणें होती हैं वो ऐसी कंपाउंड्स पैदा करती हैं पानी में जो आपके बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद बन जाता है, वो फर्मेंट हो जाता है और फर्मेंटेड वाटर आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। चावल के पानी में क्या होता है, प्रोटीन बहुत अच्छा होता है जो दो मुंहे की समस्या को खत्म करता है। चावल के पानी बालों को कोमल और रेशमी बनाता है, स्कैल्प में जितना भी डैंड्रफ है या कोई एलर्जी है उसको भी खत्म करता है। तो जैसे ही 5-6 घंटे हो जाएं, आप चावल का पानी एक स्प्रे बॉटल में डाल लें। सबसे पहले अपने बालों को शैम्पू करके धो लें। धोने के बाद आपको कंडीशनर अप्लाई नहीं करना, क्योंकि कंडीशनर की जगह हम चावल का पानी इस्तेमाल करने वाले हैं। उसके बाद आप उस स्प्रे बॉटल से अपने पूरे स्कैल्प में यानी अपने बालों की जड़ों से लेंथ तक उस पानी को अच्छे से लगा लीजिए। लगाने के बाद हल्के हल्के हाथों से मसाज करें और कोई शावर कैप पहन लें या कोई पॉलिथिन से अपने बालों को कवर कर लें। ऐसा आपको कम से कम 40 मिनट तक उस पानी को यानी उस स्प्रे को अपने बालों में रखना है। उसके बाद नॉर्मल पानी से अपने बालों को धो देना है। ऐसा आपको हफ्ते में 2-3 दफा करना है। सिर्फ 1 महीने में आपके बालों की ग्रोथ इतनी लंबी हो जाएगी, इतने शाइनी हेयर्स हो जाएंगे कि आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे। इनफैक्ट 1 टाइम के यूज करने के बाद ही आपको इसका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा और मैं चाहती हूँ कि अपना बेहतरीन रिजल्ट मेरे साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही हमेशा आपके लिए कुछ नया और बेहतरीन लाती रहूंगी, आपकी जिंदगी को खुशनुमा बनाती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। लव यू ऑल।